तस्वीरों में जो आप दवा की शीशी और जो इसका नाम देख रहे हैं, कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप, बैच नंबर DL5201, मैन्युफैक्चरिंग 9/2019, एक्सपायरी 8/2021, मैन्युफैक्चर्ड बाय डिजिटल विजन 136, काला अम्ब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग है। कोल्ड बेस्ट नामक इस दवा को ड्रग विभाग ने हरियाणा में बैन कर दिया है। गुरुग्राम के जिला औषधि नियंत्रक अमनदीप चौहान ने गुरुग्राम के केमिस्टों को सावधान करते हुए कहा है कि यदि उनके पास इस दवा का स्टॉक है तो वे उसे बिल्कुल भी सेल ना करें और इस बारे में ड्रग विभाग को सूचित करें। यदि इसकी सेल करते हुए कोई केमिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। आपको बता दें कि इस दवा के कारण जम्मू कश्मीर में कई बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। अमनदीप चौहान का कहना है कि इस दवा का प्रयोग बच्चों के लिए घातक है और इसको बेचना गैरकानूनी करार दिया गया है। गुड़गांव के सभी केमिस्ट इस दवा का स्टॉक चेक करें और इस स्टॉक के बारे में ड्रग से करिए। चल साइड का राहुल छोड़ दे, राहुल छोड़ दे सर, एक सेकंड दीजिए, एक मोबाइल क्लिक करिए वीडियो को। मैं देखूंगा, नरेंद्र आहूजा, राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा। ये मामला हमारे प्रकाश में तब आया ध्यान में, जब राज्य औषधि नियंत्रक जम्मू कश्मीर राज्य ने रतिका कदूरिया, उन्होंने लिखा हमारे को कि ये एक दवा है कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप, इसकी वजह से बच्चों को कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है और उधमपुर के रामनगर क्षेत्र में जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ इसके रिएक्शन रिपोर्ट हुए और कुछ बच्चों की, उन्होंने जो बताया कि कुछ की डेथ हुई है, तो उन्होंने PGI से इस दवा की जांच करवाई तो PGI ने बताया कि इस दवा में एक डाई इथिलीन ग्लाइकोल नाम की कोई इम्प्योरिटी पाई गई है जो कि प्रोपीन ग्लाइकोल इसको बनाने में काम में आता है उसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद ये जो फर्म है जिसने इस दवा का निर्माण किया वो डिजिटल विजन काला अम्ब हिमाचल प्रदेश में, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिजिटल विजन काला अम्ब हिमाचल प्रदेश में इस दवा का निर्माण हुआ है जिसमें कि प्रोपीन ग्लाइकोल के साथ डाइथिलीन ग्लाइकोल नामक एक सब्सटेंस पाया गया जिसके कारण बच्चों को समस्या पैदा हुई और बच्चों की डेथ जम्मू एरिया के अंदर रिपोर्ट हुई। उसके बाद वहाँ जांच अब चल रही है जम्मू इधर हिमाचल प्रदेश में कालाम में, और वहाँ से हमारी जो टीम है वो हमारे संपर्क में है, वो जहाँ जहाँ बता रहे हैं कि इस दवा का निर्माण करने के बाद निर्माता कंपनी ने जहाँ जहाँ स्टॉक बेचा है उन स्थानों पर अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार की रेट्स चल रही हैं जिसमें हरियाणा भी एक है। हरियाणा में कुछ सामान ओरिसन फार्मा करके इंडस्ट्रियल एरिया में एक दुकान है वहाँ पर शिवा मेडिकल एजेंसी वहाँ आया है और उसके बाद कुछ अन्य स्थानों पर गया तो शिवा मेडिकल एजेंसी पर इसका ये स्टॉक मिला है, बैच नंबर भी वही का वही मिल गया है OL5201। और मैं ये चाहता हूँ कि इस दवा की ये शीशी और ये बैच नंबर आप मीडिया के माध्यम से सभी को बता दें ताकि कोई इसका प्रयोग ना करे और जितनी भी बोतलें लगभग 300-400 बोतलें मिली हैं, 300-100 बोतल इसकी, इसको हम अभी सैंपल भर लेंगे और जांच के लिए आगे भेज देंगे। ये आपकी दवा किस चीज़ के लिए? ये दवा खांसी के लिए, बुखार के लिए प्रयोग होती है, लेकिन इस दवा के जो ये इंग्रेडिएंट है पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, CPM वगैरह, उसकी वजह से नहीं है, लेकिन इस दवा को निर्माण करने में जो सॉल्वेंट है प्रोपिलीन ग्लाइकोल उसकी वजह से समस्या आई कि वो जांच करके नहीं डाला गया और उसमें एक इम्प्योरिटी है डाई इथिलीन ग्लाइकोल जिसकी वजह से बच्चों में रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है और समस्या आती है। इसलिए इस दवा को तुरंत प्रभाव से इस बैच नंबर को हम सील कर रहे हैं और इसके नमूने भर के जांच हेतु कितनी मात्रा में पाई गई है सर? अभी लगभग 300 बोतलें
कि 124 इस बैच की पाई गई है, 200 और पाई गई है, लेकिन हम तो टोटल किसी भी बैच की हो सबको बंद। आगे भी बाकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे इसके नमूने भर करके हम जांच हेतु भेजेंगे और फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज करवानी है या अदालत में मुकदमा डालना है वो डाला जाएगा। मैं यहाँ ये बता दूँ कि इसमें उम्र कैद तक की सजा अब सरकार ने प्रावधान करके डाल दी है और जांच में यदि इसमें डाई इथिलीन ग्लाइकोल कंफर्म हो जाता है तो उम्र कैद से कोई रोक नहीं सकता। सर ये कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी, मैन्युफैक्चरर के या विक्रेता के? इसमें अब प्रावधान बड़े स्पष्ट हैं, आज से एक सप्ताह पहले केवल दवा निर्माता के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन अब जो दवा बेचने वाला है वो भी बराबर का जिम्मेवार है, उसको प्रूव करना होगा कि उसने ये बिल पर ली, उसमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और बिल पर ली और उचित तापमान पर रखी, वो उसकी सिरदर्दी होगी। जो मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा वो निर्माता और सभी के खिलाफ। तो यहाँ पे जो सैंपल पाए गए हैं वो सभी मानकों के अनुसार सही पाए गए हैं? अभी सैंपल नहीं है, जांच हेतु भेजेंगे, रिपोर्ट आने के बाद इस पर टिप्पणी होगी। थैंक्स सर। Thank you.